आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि गिट क्या है, गिटहब क्या है और गिटहब पर आप किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हो। तो इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा और गिटहब पर प्रोजेक्ट्स मैनेज करना आ जाएंगे कि आप किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकते हो ऑन गिटहब। तो अगर हम गूगल से पूछें कि व्हाट इज गिट, गूगल भाई हमें ये कहता है कि इट्स अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप अपने वर्जन्स को मैनेज कर रहे हो। तो अब वर्जन्स क्या चीज है? वर्जन जैसे भाई कहते हैं कि बी द वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप 5 साल पहले क्या थे? आपको उस टाइम पे सपोज कुछ नहीं आता था, आपने चीजें सीखी 5 सालों में, आपने वेब डेवलपमेंट सीख ली, आपने मोबाइल डेवलपमेंट सीख ली, आपको जो है वो मार्केट में आने वाली एटलीस्ट हर चीज के बारे में नो हाउ है कि ये है क्या चीज, ठीक है जी। तो आपने बेसिकली अपने आप को जो है वो इवॉल्व किया है, आपने जो है वो अपने वर्जन को अपडेट किया है। इसी तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर होता है कि भाई अगर सपोज एक नोड है, नोड का वर्जन 16.142 है, 17.90 है, इसी तरीके से मतलब कोई ना कोई अपडेट इसके अंदर आई होगी, कोई ना कोई नया फीचर लॉन्च करते हैं, वर्जन आने की रीजन जो है ये होती है। इसी तरीके से लारावेल का 7 था वर्जन, 8 था वर्जन, फिर 9 अब जो है लॉन्च हो चुका है। एमएस ऑफिस की ही बात कर लें आप, 2013, ठीक है, 16 और 20, इस तरह से मतलब वर्जन आपके पास मौजूद है, मतलब उसमें कोई ना कोई चेंजेस जो है वो करके वो रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये कहलाती है आपके पास वर्जनिंग। और अगर हम बात करते हैं अब गिटहब की कि गिटहब क्या है, गिटहब बेसिकली ग्लोबल कंपनी है जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करती है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग गिट। मतलब गिटहब गिट को यूज करते हुए वर्जन्स को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है और वो वर्जन्स आप किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है वो मैनेज कर रहे होते हो, गिट की मदद से, और कहाँ मैनेज कर रहे होते हो, गिटहब पर। तो गिट एक सॉफ्टवेयर हो गया, गिटहब एक आपकी जो है वो वेबसाइट हो गई। आप ये कह सकते हो कि गिटहब जो है वो बिना गिट के काम नहीं कर सकता, लेकिन गिट जो है वो बिना गिटहब के काम कर सकता है। सबसे पहले हम जो है वो गिट को डाउनलोड कर लेते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वर्जन मौजूद है। लिनक्स के लिए आपको चाहिए, विंडोज के लिए है, तो मैंने ऑलरेडी जो है वो विंडोज के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब मैं इसको सिंपली इंस्टॉल कर लूंगी, बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन है, तो चलिए इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मेरे पास डाउनलोड हुआ है। अच्छा जी, ये जो है मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, आपके पास दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, एक तो आपको गिट चाहिए, ठीक है जी, दूसरा आपको गिटहब पर अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, इस पर अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से फेसबुक पर आपको अकाउंट क्रिएट करना किसी ने नहीं बताया होगा, इंस्टाग्राम पर आपको अकाउंट क्रिएट करना किसी ने नहीं बताया होगा, तो गिटहब पर भी आप उसी तरीके से अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, साइन अप करेंगे, देन आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या बनता है कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा बेसिकली कि आपको गिट और गिटहब को यूज करने से पहले उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैं उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि मैं करूँगी, और मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट लिया हुआ है जो कि ये एक वेबसाइट है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने जो है वो नेट से ही डाउनलोड की है। इसे मैं जो है वो गिटहब पर पुश करूँगी इस प्रोजेक्ट को, और ये प्रोजेक्ट कुछ मेरे पास इस तरह से रखा हुआ है कि ये इसके कुछ फोल्डर्स हैं, CSS है, फॉन्ट्स हैं, इमेजेस है, JS है और कुछ पेजेस हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो गिट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हम सर्च बार में आके लिखेंगे गिट,
और आपको जो तो कमांड्स हैं जो कि गिट को कॉन्फ़िगर करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि आपको अपना यूजर नेम और ईमेल के साथ जो है उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इन दो कमांड्स को एग्जीक्यूट करूंगी विद माई यूजर नेम एंड ईमेल, उसके बाद जो है वो आप गिट को यूज कर सकते हो। गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम और ईमेल, git config hyphen hyphen global user dot email, ठीक है जी। ये दो कमांड्स हमने जो है वो एग्जीक्यूट कर दी हैं। अब हम जो है वो गिट की जो है वो स्टेजेस को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम अपना जो है प्रोजेक्ट गिट पर पुश करेंगे। तो गिट के स्टेजेस समझने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस डायग्राम से आपको जो है वो पूरी गिट की साइकिल समझ में आ जाएगी कि गिट में बेसिकली किस किस कमांड को यूज करते हुए जो है वो क्या काम हो रहा होता है। सबसे पहली चीज यहाँ पर स्टेजेस आपको समझनी है कि गिट की कितनी स्टेजेस होती हैं। तो गिट की सबसे पहले अगर मैं स्टेज की बात करूँ तो आपके पास जो है वो वर्किंग डायरेक्टरी होती है। वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक है जी। अब वो वर्किंग डायरेक्टरी एक नॉर्मल वर्किंग डायरेक्टरी होती है आपकी, लेकिन आपको उसको अगर गिट डायरेक्टरी बनाना है समझ लें आप, ठीक है। तो वो आप बोलते हो गिट इनिट, मतलब अपनी डायरेक्टरी को बेसिकली आप जो है वो इनिशियलाइज कर रहे होते हो। तो आप गिट इनिट के जरिए आप के प्रोजेक्ट को बेसिकली इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद आप गिट ऐड की कमांड से स्टेजिंग एरिया में अपनी वर्किंग डायरेक्टरी का जो भी काम है वो आप समझ लें स्टेजिंग एरिया में रखवा रहे होते हो, ठीक है जी। स्टेजिंग एरिया के बाद आपके पास एक और आपके पास रिपोजिटरी होती है जो कि लोकल रिपोजिटरी होती है, ठीक है। ये यहाँ ट्रांसफर हो जाता है इस कमिट के जरिए से। जब आप ऐड की कमांड से स्टेजिंग एरिया में जो है वो अपनी जो भी फाइल्स हैं आप भेज देते हो, उसको आप एक कमिट से एसोसिएट कर देते हो और वो कमिट आपका बेसिकली लोकल रिपोजिटरी में चला जाता है। और फाइनली जब आपको ऑन गिटहब पुश करना होता है, जो आपकी आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी या स्टोरेज है, तो वहां पर से आप पुश करते हो गिटहब पर, ठीक है जी। अच्छा, अब वर्किंग डायरेक्टरी की एग्जांपल देखिए, मैं नॉर्मल लाइफ में आपको बताऊं कि अगर सपोज मैं कहीं गई, मैंने कुछ कपड़े बाय किए, ठीक है जी, सेल लगी हुई थी, मैंने कुछ कपड़े बाय किए और मैंने बहुत सारे कपड़े जो है वो सेलेक्ट कर लिए कि मैंने ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ठीक है जी। मैं वो सारे कपड़े उठाकर काउंटर पर लेकर गई, जब मैंने अपना वॉलेट चेक किया तो मैंने देखा उसमें तो बहुत कम पैसे थे। तो मैंने फाइनली जो डिसाइड करी चीज़ें कि मुझे ये चीज़ें हैं जो मेरी रेंज में आ रही हैं या मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं, तो मैंने उसको स्टेजिंग एरिया में रखती गई, जो मैं फाइनलाइज करती जा रही हूँ कि यार ये मैं कपड़े ले सकती हूँ, ये वाले कपड़े मैंने हटाने हैं। तो जो मैं फाइल्स फाइनली स्टेजिंग एरिया में रखूंगी वो आपकी यहाँ पर कहलाएंगी स्टेजिंग एरिया में। जो कपड़े आप फाइनल कर रहे हो वो बेसिकली आप स्टेजिंग एरिया में कर रहे हो, ठीक है जी, फाइनल आप जो कर रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं बिरयानी बनानी है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे बिरयानी बनानी होती है मैं मार्केट से जो है वो सामान लेकर आती हूँ। डिफरेंट जो है वो आप स्पाइसेस लेकर आते हो कि ये चीज़ चाहिए आपको, जो है वो चिकन रिक्वायर्ड है आपको, डिफरेंट जो है वो मसाले रिक्वायर्ड है। तो फिर आप क्या करते हो, अपने किचन में लाकर एक जगह सारे जो है वो इंग्रेडिएंट्स को एक जगह रखना स्टार्ट करते हो। तो वो जो बेसिकली, अब अगर सपोज आप सामान लेने गए तो उसमें आप भिंडी भी लेकर आ गए हो, उसमें आप बैंगन भी लेकर आ गए हो, तो अब आपको लेकिन वहाँ बिरयानी बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उसको साइड पर करते जाओगे। तो जो आप फाइनल करते जा रहे हो बिरयानी बनाने के लिए, इसका मतलब है कि वो आप स्टेजिंग एरिया में रखते जा रहे हो उन चीज़ों को, उनको आप स्टेजिंग एरिया में कलेक्ट करते जा रहे हो, और फिर फाइनली आपको जो चीज़ बनानी है उसके लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ आप वही जो है वो स्टेजिंग एरिया में रखते हो, बाकी चीज़ों को आप साइड पर कर देते हो। तो स्टेजिंग एरिया का कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आपको जो फाइल, सपोज मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी में मेरे पास 5 फाइल्स थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार ये 2 फाइल्स मुझे अभी नहीं भेजनी, लेकिन ये 3 फाइल्स मेरी ऐसी हैं, 1 2 3 फाइल्स जो मुझे स्टेजिंग एरिया में मैं भेज सकती हूँ। तो मैंने जो फाइनलाइज की 3 फाइल्स वो मैं स्टेजिंग एरिया में भेज दूंगी। उस स्टेजिंग एरिया में जब मैंने भेज दी, फिर मैं उसको कमिट कर दूंगी, कमिट लोकल रिपोजिटरी में चला जाएगा, और फिर देन उसको मैंने पुश कर देना है कि भाई लॉक हो चुका है, अब इसको मैं पुश कर दूंगी फाइनली गिटहब पर। अच्छा, ये कमांड है 6 से 7 कमांड जो कि आपके प्रोजेक्ट को गिटहब पर पुश करवाएंगी, ठीक है जी। गिट एडिट की कमांड जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपकी प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आप गिट ऐड की कमांड चलाओगे, गिट ऐड की कमांड डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। अगर कोई स्पेसिफिक फाइल को भेजना होगा तो गिट ऐड के बाद हम उस स्पेसिफिक फाइल का नेम लिखेंगे जो कि स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। उसके बाद गिट कमिट की कमांड है जो कि आप एग्जीक्यूट करोगे, स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में आ जाएंगी। और कमिट बेसिकली एक तरीके से सेफ कह लो कि आप
है और कमिट के साथ जो है वो आप इस तरह से लिख रहे होते हो बेसिकली हुआ क्या। जैसे मैंने अगर फर्स्ट कमिट किया है तो मैं इनिशियल कमिट या फर्स्ट कमिट लिख दूंगी, एक तरह से आपका एक स्नैपशॉट ले लेते हो आप। स्नैपशॉट क्या चीज होती है, जैसे अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो आप क्या करते हो कि वहां पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हो और आप कुछ अरसे बाद स्नैपशॉट्स वहां के लेते हो। कुछ अरसे बाद जब आप उन्हें निकाल के देखते हो तो आपको चीजें याद आना स्टार्ट हो जाती है, अच्छा हम यहाँ गए थे। इसी तरीके से बेसिकली कमिट का यहाँ पर भी काम है कि आपको वो कमिट देख कर याद आ जाएगा, अच्छा यार मैंने यहाँ पर ये काम किया था। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे एक कमांड लिखी हुई है ब्रांच। ठीक है जी, ब्रांच क्या होती है पहले मैं आपको ये समझाऊंगी। ये कमांड वैसे ऑप्शनल है अभी फिलहाल के लिए, अगर आपकी कोई ब्रांच नहीं है, आप मेन ही ब्रांच पर काम कर रहे हो तो ये आपकी ऑप्शनल कमांड है। अगर आप ये कमांड नहीं भी एग्जीक्यूट करते हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो ब्रांच होता है उसका नाम होता है मास्टर ब्रांच। ठीक है जी, लेकिन अगर मुझे अब मेन करना है, मैं सपोज मास्टर नहीं रखना चाह रही, मैं मेन ब्रांच नाम देना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे गेट ब्रांच हाइफन एम और मेन यानी कि ब्रांच का नाम दे दिया। अच्छा देखिए, ब्रांच का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि क्या है। सपोज एक मेन ब्रांच थी ये ब्रांच, ठीक है। सपोज मेन प्रोजेक्ट का एक्सेस मैंने कहा भाई मेरे जो है वो टीम लीडर के पास है, बाकी जो फीचर्स पे वर्किंग है वो डिफरेंट डेवलपर्स कर रहे हैं। डेवलपर वन जो है वो लिटिल फीचर पे वर्किंग कर रहा है, टू जो है वो बिग फीचर पे वर्किंग कर रहा है। अब मैंने कहा कि भाई तुम मुझे काम कर लो, पहले मैं अप्रूव करूंगी, उसके बाद मेन लाइन से कनेक्ट करूंगी मैं वो काम, पहले तुम्हारा काम चेक करने के बाद। डायरेक्टली तुम्हें मैं एक्सेस नहीं दे रही कि तुम भी यहाँ पर जो है वो डम कर रहे हो चीजें लाकर, ना मैं तुम्हें एक्सेस दे रही हूँ भाई लेटेस्ट फीचर को, तुम डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो लाकर इंटीग्रेट कर दो। मैंने कहा तुम करो, मैं चेक करूंगी, देन आई विल इंटीग्रेट द मेन लाइन। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है आपके पास कि आप जो है वो मतलब मेन लाइन का या मेन ब्रांच का एक्सेस हर एक को नहीं देना चाह रहे होते, तो आप चाहते हो कि भाई मेरे जो डिफरेंट डेवलपर्स हैं वो अलग से सेपरेटली काम करें, मैं उनका काम चेक करूंगी, मैं फिर उसको इंटीग्रेट करूंगी कि भाई जो है वो आया कि वो ठीक है भी या नहीं। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो ब्रांच की कमांड आपकी जो है वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद आपके पास ये वाली कमांड है जो कि एग्जीक्यूट होगी, गेट रिमोट एट ओरिजन। ठीक है, और ये क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगी। उसके बाद आपने फाइनली पुश करना है और ओरिजन मेन यानी कि हम आपकी ब्रांच का नाम, आपकी ब्रांच का नाम क्या है मेन ब्रांच था तो हमने यहाँ पे मेन यहाँ पे पास कर दिया। तो इस तरीके से आपने ये 6 कमांड्स हैं जो कि एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है जी, तो आते हैं गिटहब पर। सबसे पहले हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर रिपोजिटरी को नाम दे देती हूँ, सपोज सैम्पल प्रोजेक्ट मैंने नाम दे दिया। ठीक है जी, और आपने मजीद इसकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना है, आपने डिस्क्रिप्शन देनी है दे दें। ठीक है, मैं पब्लिक ही रखूंगी इसको और मजीद इस पे किसी पे भी चेक मैं नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है कि भाई अगर मैं वहां से प्रोजेक्ट को पुश करूंगी वो हवा में तो नहीं जाएगा, गिटहब पर कहीं ना कहीं किसी स्पेस को एलोकेट करेगा तो वो रिपोजिटरी कहलाएगी। ठीक है जी, आपके पास। और ये देखिए यहाँ पे स्टेप्स भी गिवन है कि आपको कौन कौन सी जो है वो कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है, वो यहाँ पे दी हुई भी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, मैंने राइट क्लिक किया, जब आप गिट बैश को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके पास यहाँ पर आता है, आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर जाकर गिट बैश शेयर कर दिया और आप देखें यहाँ पर जो है वो इस तरह से आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। अब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर खड़े हो। ठीक है जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि आपने कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, गेट इनिट। देखें जी, गेट इनिट हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट की। ठीक है जी, इसने क्या किया है, इनिशियलाइज गेट रिपोजिटरी। अब अगर मैं यहाँ पर आपको चेक करवाऊँ यहाँ पे पेरेंट आइटम्स के अंदर, तो देखें गेट डॉट गेट का फोल्डर क्या हो गया है, एड हो चुका है। इसका मतलब है आपके प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया गया है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, सेकंड आपकी कमांड क्या होती है, गिट ऐड की कमांड। मैंने कहा भाई गिट ऐड डॉट लगाया, इसका मतलब है मैंने कहा भाई जितना भी कंटेंट है उसको सारे को उठाओ और स्टेजिंग एरिया में ले जाओ भाई तुम। तो ये क्या करेगा, जितना भी कंटेंट होगा वो स्टेजिंग एरिया में ट्रांसफर कर देगा मेरे कंटेंट को। उसके बाद अब मेरे पास कमांड कौन सी होती है, गिट कमिट की कमांड। मैंने कहा गिट कमिट हाइफन एम, मैंने कहा इनिशियल कमिट है मेरा, मैंने इसको नाम दे दिया इनिशियल कमिट। ठीक है जी, ये मैंने नाम दे दिया अपने कमिट को। कमिट करने के बाद और ऐड आपने कर दिया, इसका मतलब है आपने जो चेंजेस किए हैं उसको आपने एक स्नैपशॉट लेकर एक कमिट से एसोसिएट कर दिया है। ठीक है जी, अब आप अगर स्टेटस चेक करोगे, गेट स्टेटस की कमांड एग्जीक्यूट करके स्टेटस चेक करो, कह रहा है कि मास्टर ब्रांच पर हो आप, ठीक है, और वर्किंग ट्री आपका क्लीन है, मतलब आपको कोई चीज कमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ यू आर आइडियली रेडी टू पुश प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस स्टेज पे खड़े हो कि आप प्रोजेक्ट को पुश कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे काम किया, मैं यहाँ पे जो वो मैंने जो यहाँ पे आपको कमांड बताई थी मेरी, मैंने कहा था आपको ब्रांच वाली जो है वो आपने अगर मास्टर से मेन करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। मैंने कहा गेट ब्रांच
एम और मेन हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है जी। ये मेरी ब्रांच का नाम हो गया, देखिए हम मास्टर से मेन हो चुका है। यहाँ पर इस फाइल पर आ जाए, हमने यहाँ तक का काम कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये दो भी स्टेप करने से पहले मैं एक काम कर रही हूँ, मैं जो हूँ वो SSH की जनरेट कर रही हूँ। SSH की जनरेट क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं कोई भी रिपोजिटरी बनाऊँ और अपने सिस्टम से पुश करूँ, मुझे बार बार क्रेडेंशियल्स की जरूरत ना पड़े, मुझे बार बार यूजर नेम और ईमेल की जरूरत ना पड़े। तो ये मुझे वन टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी रिपोजिटरी में बनाऊंगी उसके लिए हर बार मुझे SSH की जनरेट नहीं करनी। वन टाइम आप जनरेट करोगे SSH की, तो आपके सिस्टम से जितनी भी रिपोजिटरीज आप जो है वो इजीली पुश कर सकते हो बार बार अपने क्रेडेंशियल्स दिए बगैर, ठीक है जी। SSH की जनरेट करनी है, आपने लिखना है SSH माइनस की जेन, ठीक है जी। और आपके पास एंटर एंटर आप करते जाएंगे, ठीक है। ये आपकी SSH की जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये बता रहा है कि SSH की जनरेट कहाँ हुई है, इधर भी जाके देख लेते हैं, ठीक है जी। ये पाथ आ रहा है सी में, यूजर्स में, नाजिश में, और इधर SSH की जो है वो जनरेट हो चुकी है। एक बार जाके देखते हैं क्या वाकई SSH की हमारी जनरेट हो गई या नहीं। देखिए जी डॉट SSH का फोल्डर आ चुका है, और ये देखें SSH हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब मुझे एक काम करना है, SSH की जो जनरेट हुई है, पहले मैं इस पाथ पे जाती हूँ, मैंने कहा CD, ठीक है जी, और सॉरी CD डॉट SSH, ठीक है जी। मैंने देखें ये मैं पाथ चेंज किया अपना सबसे पहले, तो अब मुझे उस कंटेंट को कॉपी करना है जो इस फाइल के अंदर बेसिकली की जनरेट हुई है। तो उसको कॉपी करने के लिए आपके पास है कैट ID अंडरस्कोर RSA, क्योंकि देखें यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि पब्लिक की आपकी ये इस नाम से है ID अंडरस्कोर RSA डॉट पब। तो आपने यहाँ पर ये कमांड एग्जीक्यूट की और ये आपकी जो है वो की आ चुकी है। अब ये की आपने कॉपी करनी है, की को कॉपी करने के बाद आपने गिटहब पर आना है और गिटहब सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट की सेटिंग्स की बात नहीं हो रही, गिटहब सेटिंग्स की बात हो रही है। और वो जो आपने की कॉपी की है उसको यहाँ पर आकर आपने न्यू SSH की पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर उसको ऐड करवा देना है। ये आपकी SSH की क्या हो गई है, ऐड हो गई है। SSH की ऐड करने के बाद अब अगर मैं इस फाइल पे आती हूँ तो देखें अब हम दो स्टेप्स की दूरी पर हैं और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब पर पुश हो जाएगा। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद ये लिंक होता है, ये बेसिकली गिटहब रिपोजिटरी का आपका लिंक होता है कि ये वाला कंटेंट जो आप भेजना चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट का किस लिंक से वो लिंक पर जो है रखवाया जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर आकर, अब ये आपके पास यहाँ भी आ रहा होता है, आप आते हो ना, तो जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो आपको स्टेप्स दिखाता है कि भाई आपने ये स्टेप्स करने हैं। तो आपने SSH पे क्लिक करना है, और SSH पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिंक आ जाता है। आपने इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपने आना है यहाँ पर, ठीक है, और एड ओरिजिन, और उस लिंक को जो आप कॉपी करके लाए हो उसको यहाँ पर आकर पेस्ट करवा देना है। प्रोजेक्ट के कंटेंट को इस गिटहब के लिंक से आप कनेक्ट कर दोगे और एंटर कर देना आपने, ठीक है। अब लास्ट जो है वो स्टेप आपका होगा कि आपने गिट पुश ओरिजिन, आपकी जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, मेरी ब्रांच का नाम यहाँ देखिए क्या है, मेन। तो मैंने यहाँ पे मेन, अच्छा यस आप कर दें यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर से आप आते हो, रिफ्रेश करते हो अपनी रिपोजिटरी को, और ये देखें यहाँ पर सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं मेरी, जो भी मेरी प्रोजेक्ट की फाइल थी, जो भी कमिट आपने ऐड किया था देखें वो यहाँ पर मेंशन हो रहा है इनिशियल कमिट के नाम से। अच्छा अब मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर आकर एक फाइल सपोज ऐड करती हूँ, मैंने कोई भी TXT फाइल यहाँ पर ऐड कर दी, मैंने उसे नाम दे लिया सैम्पल शीट का। अब मैं यहाँ पर आकर गिट स्टेटस चेक करती हूँ, तो देखें वो कह रहा है कि भाई ये फाइल है और ये अनपैक फाइल है। तो अब आपको इसको जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ऐड किया, अब गिट स्टेटस चेक किया, आपने इसको अभी कमिट नहीं किया, चेंजेस टू बी कमिटेड, ठीक है, नीड टू बी कमिटेड है, तो मतलब आपको इसको कमिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आपने इसका स्टेटस चेक किया, ठीक है, नथिंग टू कमिट, सारी चीज आप कमिट कर चुके हो, लेकिन अभी ये गिटहब पर पुश नहीं हुई है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिट पुश ओरिजिन आपकी ब्रांच का नाम। अब ये जो है वो गिटहब पर जा चुकी होगी, आप आए रिफ्रेश कर लें यहाँ पर, और ये देखें सैंपल शीट यहाँ पर ऐड हो चुकी है, एडिट सैंपल शीट के नाम से इसका जो है वो कमिट है। अच्छा मुझे अगर अपनी रिपोजिटरी कोई डिलीट करनी है वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, आप सेटिंग्स में आओगे, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, डिलीट दिस रिपोजिटरी,
आपने ये नाम जो है वो टाइप कर दें अपनी रिपोजिटरी का, और यहाँ पर जो है वो इसको डिलीट पे क्लिक कर दें, और फाइनली आपकी रिपोजिटरी जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो ये है गेट एंड गेट हब। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए और आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितनी भी कमांड्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उन्हें मेंशन कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।